कांग्रेस को भगाना है। 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, और 4 जून आई भाजपा जनता को भाई के चुनाव में। 25 तारीख को पोलिंग है, आज हम 13 तारीख में आ गए हैं, मात्र 11 दिन का समय शेष है। 11वां दिन तो व्यवस्थाओं का होता है, प्रचार के तो 10 ही दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में हम लोगों ने पूरे इलाके में घूम करके हर गांव में हर घर तक पहुंचना है। हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जैसे मैं स्वयं पिछले कुछ दिनों पहले, यानी शायद 30 अप्रैल की बात है, मैंने अपनी एक यात्रा शुरू की थी और कुछ गांव में से यात्रा करके सबसे पहले असंद विधानसभा के गांव को टच किया था, चाहे वो उसमें गंगा टेढ़ी पोपड़ा से शुरू करके बाहरी थल खेड़ी सरफली बिलौना राड़ा ललन चोचड़ा अच्छनपुर सनीसंग, इतने गांव में सब में जाकर के यात्रा की थी। और मैं उस दिन की यात्रा के बाद आज असंद आकर के आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने उस दिन स्वागत किया, इतना आनंद का एक विषय था कि मैं तो वास्तव में असंद से उसी दिन से निश्चिंत हो गया था। फिर भी असंद के लोगों का प्यार, असंद के लोगों का प्यार आज दोबारा से लेकर के आया है। अभी 4 दिन से हमारे कार्यकर्ता हर घर जाने का अभ्यास कर रहे हैं, बैठ जाओ भाई, बूथ के ऊपर डोर टू डोर जाकर, यानी अगर इस विधानसभा में लगभग ऐसा मान के चलो कि 40,000 परिवार होंगे, 40,000 परिवारों में सब में आप जाइए और सब में बताइए क्या मोदी जी ने क्या क्या काम किए। आखिर मोदी जी इस देश के ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इतना बड़ा नेता मैं कहता हूं आज तक दुनिया में कभी नहीं आया जितने बड़े मोदी जी हैं। जब मोदी जी यहां पहुंचते हैं लोग उनके नाम का जाप करने लग जाते हैं, मोदी मो, आखिर तो ऐसा क्यों करते हैं। मैं पूछता हूं, मोदी जी तो जैसे आप हम हैं ऐसा ही शरीर है उनका, उनकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक मुंह है, एक नाक है, शरीर है जैसा वो वैसे हम, लेकिन उनके नाम का जाप होता क्यों है। इसलिए होता है कि वो दिन रात अपने बारे में नहीं सोचते, वो मित्रों देश के बारे में सोचते हैं। कांग्रेस को भगाना है, 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, 25 मई कांग्रेस, और 4 जून आई भाजपा जनता को भाई, 4 जून आई भाजपा जनता को भाई। देश में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बनाना है। ओल्ड एज पेंशन हमने घर बैठे लोगों के बनवाई, और केवल बुजुर्गों की नहीं, बूढ़ा बूढ़ी को तो बनती है। हमें हमारे ये साथी ने कहा कि आप जैसे विधवाओं की पेंशन बढ़ाते हैं, विधवा की पेंशन बढ़ती है ना, तो उसने शब्द तो विधानसभा में प्रयोग किया था, कर देता हूं यहां प्रयोग, वो करने लगा कि भाई रांड्या की ओर बनवा दो। उस टाइम तो हमें मजाक लगा, लेकिन बाद में लगा कि बात तो बड़ी ठीक है कि आखिर पति की मृत्यु हो तो हमारी बहन अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उसको सहायता चाहिए, लेकिन अगर घरवाली की डेथ हो जाए तो यही हाल तो नौजवान पुरुष का भी तो होता है, उसकी भी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे होते हैं। तो हमने तय कर दिया कि भाई अब जिसकी 40 साल की उम्र हो गई और पत्नी की डेथ हो गई उसकी भी 3,000 पेंशन बनेगी। फिर एक और विषय आया, कुछ लोगों ने कहा गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती। हमने कहा भाई 45 साल तक उम्र, उस उम्र तक शादी ना हो तो 45 साल के बाद इनकी भी पेंशन बांध दो, ये करिए हमने। तो मित्रों काम करने वाला आदमी चाहिए। आपके यहां विकास के बहुत काम कराए हमने असंध में,
कामों की लिस्ट मेरे पास है लेकिन पढ़ूंगा नहीं, समय नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई कोई काम ऐसा होता है जो करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी जब आवाज उठती है किसी बात की तो कहते हैं जब बीज बो दिया जाए तो कभी तो अंकुर होगा, थोड़ा सा पौधा बनेगा, तना बनेगा, फल देगा, देगा ना, अपना अपना टाइम होता तब हो जाता है। अब आपने एक आवाज उठा रखी है यहां बड़ी जोरदार तरीके से, कौन सी? अब देखो देखो, आज तो कोई संभव नहीं है ये घोषणा करना, लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि जब कोई बीज बोया जाता है तो कभी तो पेड़ बनेगा, फल आएगा, फूल आएगा। तो आपने बीज बोया, 6 जून निकलने दो, थोड़े दिन इंतजार करोगे, शायद भारत माता की